हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको मेरा नया वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा 10mm ड्रिल मशीन में कैसे चौक खोलते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कैसे चौक खोल लेंगे 10mm ड्रिल मशीन में, लेकिन उसमें दो तीन की चीज़ की हमको ज़रूरत है, लेकिन इसमें वो काम नहीं करेगा। जैसे कि ये जो चौक हम खोल देंगे, इसमें देखिए आपको जैसे कि आपको दिखाया गया है कि वो चौक काम नहीं कर रहा है। फिर हम उसमें उसका जो एलेंकी जो रहता है, मैं जैसे कि बताया था एलेंकी माध्यम से उसको खोल सकते हैं, लेकिन एलेंकी यहाँ पे फंसा नहीं सकते। फिर खोलेंगे कैसे, ये वीडियो में आपको पता चलेगा कैसे खोलेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, उसका जो चौक में जो तीन टो फिंगर रहता है, जैसे कि बिट टाइट करते हैं, वो ना टाइट हो रहा है ना ढीला हो रहा है, एक पोजिशन में वो है। लेकिन दोस्तों, इसमें एक चीज़ है, उसका जो ड्रिल मशीन का चौक है उसके अंदर एक स्क्रू भी रहता है, वो एंटी क्लॉक वाइज उसका थ्रेड रहता है, लेकिन हम उसको खोल नहीं सकते हैं। क्यों नहीं खोल सकते हैं? क्योंकि ये चौक पूरा जाम हो चुका है। तो इसी कंडीशन में हमको क्या करना है, वो चौक को हम खोलना है। खोलने के बाद वो स्क्रू खराब हो जाएगा, लेकिन ये चौक को हमको खोलना है। चलो, उसी कंडीशन में आपको क्या करना है, मशीन को खोल लेना है। फिर ये जो गियर के पोजिशन में कम्प्लीट सेट आता है, उसको आपको बाइस में टाइट करना है। देखिए, बाइस में टाइट करने के लिए आपको एक कपड़ा की जरूरत होगा, क्योंकि गियर खराब हो सकता है, जरूर खराब हो जाएगा। इसीलिए हमको बाइस में पकड़ने से पहले गियर को कपड़ा में चारों तरफ बंद करना है। फिर हमको बाइस में वही गियर पोजीशन को पकड़ लेना है, जैसे कि यहाँ पे मैं पकड़ लिया। फिर मैं ट्राई करूँगा उसका जो उसको ढीला करने के लिए, मैं फाइव रेंच को यूज करके मैं ट्राई कर रहा हूँ उसका जो चौक को निकालने के लिए। अभी मैं खोल नहीं रहा हूँ स्पिंडल से, लेकिन चौक को ढीला कर रहा हूँ, ताकि अगर ढीला हो जाएगा अंदर में जो एंटी क्लॉक वाइज स्क्रू है उसको निकालने के बाद ही आसानी से निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, पूरा जाम हो चुका है। उसका जो तीन टू फिंगर रहता है चौक का, वो बिल्कुल भी ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। तो उसी सिचुएशन में हमको क्या करना है, उसका जो चौक को हमको यहाँ से खोल लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए पाइप लाइन यूज करके मैं खोल लिया। फिर दोस्तों, इसमें एक चीज़ की खराब हो जाएगा कि उसके अंदर जो स्क्रू है वो ढीला हो जाएगा, सॉरी वो टूट जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो जो स्क्रू है वो यहाँ से निकल गया, देखिए ये मतलब टूट के निकल गया, उसका ऊपर वाला चीज़ इसके अंदर है। ओके, तो इसी सिचुएशन में हमको क्या करना है, चौक हमको दोबारा उसका स्क्रू लगाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, मेरे पास ये स्क्रू अवेलेबल नहीं है, तो मैं ट्राई करूँगा एक दो दिन के अंदर कस्टमर को ला के इसके मशीन में फिटिंग करने के लिए। लेकिन दोस्तों, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रिल में चौक लगा लेंगे। यहाँ पे आप चौक लगा सकते हो, लगा के थोड़ा टाइट कर लीजिए। ये मशीन में दोस्तों ओनली जो वुड वगैरह को होल किया जाता है, कोई स्क्रू वगैरह टाइट नहीं किया जाता है, ढीला नहीं किया जाता है। इसी वजह से आपका रिवर्स फॉरवर्ड की भी काम कोई नहीं है, वो नॉर्मली ड्रिल में चलेगा ये। तो अच्छे से हमको टाइट करना है इसको, फिर ये चल जाएगा। मैं जो चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो स्क्रू है ज़्यादा नहीं मिलता है, मेरे पास भी अवेलेबल नहीं है। मैं ट्राई करूँगा किसी दूसरे मशीन में निकल के इसमें लगाऊंगा, नहीं तो नया ला के लगा दूंगा। दो दिन मुझे कस्टमर से लेना है। ओके, यहाँ पे देखिए पूरा परफेक्टली मैं टाइट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्क्रू नहीं है अंदर में, तो हमको इसको सही से पूरा हाल टाइट करना है, ताकि ये ना निकले बाद में। ओके, नहीं तो आप दोस्तों इसका सोल्यूशन भी है, कोई केमिकल वगैरह यूज करके फिक्स भी कर सकते हो, लेकिन वो निकालने जब निकालोगे तब भी दिक्कत करेगा, क्योंकि आपको हीट मारना पड़ेगा। ओके, अभी दोस्तों मैं स्क्रू टाइट करूंगा, जरूर टाइट करूंगा, लेकिन अभी नहीं है मेरे पास, उसको छोड़ दूंगा, एक दो दिन टाइम दिया हूँ मैंने। ओके, अभी दोस्तों इसको खोल लिया हूँ और थोड़ा ग्रीस लगा के दोबारा फिटिंग कर लेंगे, फिर ये ओके हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों, आपको अगर कोई भी स्पेयर पार्ट्स की जरूरत है, या फिर ये चौक की भी जरूरत है, या फिर अगर स्क्रू अवेलेबल होगा स्क्रू की भी जरूरत है, जरूर नीचे दिया गया नंबर से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर मेरे खुद की वेबसाइट है, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे भी जाके परचेज कर सकते हो कोई भी स्पेयर पार्ट्स पावर टूल्स का। तो मैं जरूर ट्राई करूँगा इसमें सारे स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल करने के लिए। फिर भी ये 50-60% स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हो चुका है, आप जाके मेरे वेबसाइट से चेक कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों, ये जो ड्रिल मशीन का चौक ये यहाँ पे फिटिंग हो चुका है। अभी मैं जितने भी मोटर में स्क्रू लगते हैं उसको टाइट कर लेंगे, फिर ये रेडी हो जाएगा। दो दिन में टाइम लिया हूँ कस्टमर को उसको देने के लिए, मैं जरूर दूंगा। अगर वो स्क्रू नहीं होगा तो इसमें जो ड्रिल मशीन कोई भी अगर फॉरवर्ड में चला लेगा, तो ये ड्रिल का चौक निकल जाएगा, तो ये दिक्कत करेगा। तो जरूर ये इसको देना चाहिए, नहीं स्क्रू नहीं दोगी तो दिक्कत होगा, जैसे कि मैं आपको बताया। तो चैनल में नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए, इस टाइप का वीडियो आगे देखने के लिए। यहाँ पे मशीन रेडी हो चुका है, थोड़ा चला लेंगे।